हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, गेहूं के आटे की बहुत ही मजेदार नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की मठरी, जो कि आप सुबह चाय के साथ में शाम की छोटी मोटी क्रेविंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं और ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं गेहूँ के आटे की मठरी। आटे की मठरी बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो घी का बर्तन हमारे पास बचा था और इसमें जो घी बचा हुआ था इसको फेंकना नहीं है, हम यूज़ करेंगे, तो उसी को यूज़ करके हम आटे की मठरी बना रहे हैं। अब ये जो घी है इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप आटा, उसमें मिक्स करेंगे 1/2 कटोरी बेसन। आप बेसन डाल सकते हैं या फिर सूजी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन और लाल मिर्च। ये लाल मिर्च मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहे तो लाल मिर्च थोड़ा और ऐड कर लीजिए। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमें इसका आटा लगाना है, कड़क आटा। ये मैंने क्योंकि लास्ट रेसिपी को ही कंटिन्यू किया है, उसी के बर्तन को यूज़ किया है, तो अगर आपके पास में लास्ट रेसिपी आपने नहीं देखी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी या तेल आटा लगाते हुए डाल लीजिए ताकि इसमें कड़कपन और आपकी कुरकुरी बने। ये देखिए आटा लग के तैयार है और ये एकदम कड़क लगा है। इसके बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। 10 मिनट रखने के बाद में आटे को मैं अपने हाथों में इतना थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और उसके ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके, देखिए ऐसे मोटे में मठरी बनानी है। और जब तक ये सब मठरी हम बना के रख रहे हैं तब तक आपको एक साइड कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देना है। ये सब मठरी रेडी कर ली है, इनको रेडी करने के बाद में इसमें आप हल्का हल्का कट मार दीजिए इसे। ये सब पे हमने थोड़ा थोड़ा कट मार दिया है और दूसरी साइड कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। अब हमें इनको कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद में आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपको इसको पकाना है, वो भी गोल्डन ब्राउन होने तक। 2 मिनट के लिए आप इसे पलटिए मत। डालने के बाद में फ्लेम धीरे करके इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी। इसको 1 मिनट और आपको पकाना है और फिर आपको इसको प्लेट में निकाल लेना है। इसमें कितना अच्छा कलर आया है और ये थोड़ा फूल भी गई है। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है और जो बाकी बची हुई हैं उन्हें भी ऐसे फ्राई कर लेना है। ये हमारा नाश्ता बन के तैयार है, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। ये देखिए ये कुरकुरी भी है और सॉफ्ट भी। इसको खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगी, इतनी सॉफ्ट है। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और स्वाद लीजिए।